अरे मेहता जी, एक हफ्ता पहले डिलीवरी करी है आपने और आप पैसे की बात करने लगे। पैसे पेड़ पे नहीं लगते, समझिए। चलिए मैं बाद में बात करता हूँ, कोई आया हुआ है। ठीक है जी। माँ साहब, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप, सब ठीक तो है? ठीक ही है, बिटिया का ब्याह कर रहे हैं तो थोड़ी चिंता तो हो ही जाती है। अरे प्रिया भाई, मास्टर जी आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ अभी लाती हूँ। समझ सकता हूँ मास्टर जी। एक हेलो, क्या बात हो गई जिंदल साहब? आज जो भी फोन कर रहा है पैसों के लिए फोन कर रहा है मुझे। कौन सी मार्केट में आग लग गई आज? देखिए घर पे कोई आया हुआ है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? देख रहे हैं माँ साहब, आग लगी हुई है मार्केट में। मार्केट में तो आग ही लगी हुई है, टेंट वाला, कैटरिंग वाला, सब पैसे मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे हैं, क्या ही करा जा सकता है। मासी जी, अगर मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं तो प्लीज मुझे बताइए। मैं अरे प्रिया आ गई। आओ प्रिया, आओ आओ, बोलो मास्टर जी से। तो आप है वो मास्टर जी, बहुत सुना है आपके बारे में, आप ही ने इनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाया था ना? नहीं, बहुत मेधावी छात्र था स्कूल का। अरे बड़प्पन है मास्टर जी का। आप देख रहे हैं कितने बिजी रहने लगे, हमें भी टाइम नहीं देते। अरे मास्टर जी माफी चाहता हूँ, मुझे निकलना होगा। अच्छा प्रिया, मास्टर जी को बिना नाश्ता किए मत भेजना, ठीक है? ठीक मास्टर जी, मैं चलता हूँ और शादी में हम दोनों जरूर आते हैं, ठीक है मास्टर जी? आप बैठिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। मास्टर जी। हाँ बेटा। ये बैग से पैसे निकाल लीजिए। बेटा इसमें ना तुम लिख लो, एक साथ ले लेंगे, ठीक है? जी वो पैसे ज्यादा हो गए हैं और बाहर इतने पैसे लेके बैठना ठीक नहीं है। ज्यादा हो गए? कितने हो गए? जी 3 लाख तो आपके तीनों दोस्तों ने दे दिए हैं और जो शगुन दे रहा है वो 5,000 एक से कम नहीं दे रहा है। दिखाओ। क्या लगा था मास्टर जी, नहीं बोलोगे तो पता नहीं चलेगा? बताओ, घर गिरवी रख के बेटी की शादी कराने चले थे हम, नहीं है क्या? अरे मास साहब, हम जिंदा हैं अभी, श्रेय आप ही की नहीं हमारी भी बेटी है। ये लो तुम्हारा सगन के पैसे हैं, ठीक है? पर ये तो अपशगुन हो जाएगा ना पापा। सर ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शादी के लिए आपने घर गिरवी रखा है। पापा आज मेरी विदाई है, लेकिन कल ये पैसे देकर आप घर के कागज वापस घर लेकर आ सकते हैं। वो मैं देख लूंगा ना बेटा, बेटी बन के नहीं, अब उस घर की बहू बन के सोच, तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे, पति क्या सोचेगा है? और ये समाज क्या कहेगा? रखो इसको। आपको कर्जे के बोझ में दबाकर हम अपनी गृहस्थी की शुरुआत नहीं करेंगे गुरुजी। अरे आप बैठिए। गुरुजी? गुरुजी, विद्या मंदिर स्कूल 7वीं क्लास, आपको तो याद भी नहीं होगा, हजारों बच्चे जो पढ़ाए हैं आपने, और आपकी शिक्षा गलत कैसे हो सकती है गुरुजी? एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को आज सरकारी से भी ज्यादा सरकारी बना दिया बेटा। खुश रहो। मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, ये सब तो आपके दोस्तों का कमाल है, उन्होंने मुझे मना किया था कि ये बात आपको पता ना लगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। पता है पापा, उन्होंने ना व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था जिसमें उन्होंने सबसे ये कहा कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा शगन डालें, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने पता है क्या कहा कि तुम्हारे पापा ने सोसाइटी के लिए कितना कुछ किया है, अब सोसाइटी की बारी है तुम्हारे पापा के लिए कुछ करने की। खुश रहो बेटा।
वर्मा जी? जी मास्टर जी। आपने पैसे क्यों वापस भेज दिए? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमने ना लेबर के पैसे काटे हैं, टेंट के पैसे नहीं लिए। क्या है ना, श्रेया हमारी भी बेटी है। खाने के सामान के पैसे काटे हैं शर्मा जी, बनवाई थोड़ी लेंगे आपसे। अरे हमारे घर की शादी थी। भूल गए क्या मास्टर जी, आपके हर स्कूल फंक्शन में हमारा ही तो साउंड सिस्टम जाता था। आप तो घर के आदमी हैं, आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? भले पैसे कम कमाए मैंने, पर खुशी इस बात की है कि लोग कमाए मैंने।